2019 में मोदी जी आएंगे सर, बहुत अच्छा काम किए हैं, अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए जनता बहुत खुश है। मोदी तो आए गए हैं लेकिन घटले गए। राहुल राहुल सब पत्ता साहब है भैया मोदी का। केवल मोदी, केवल मोदी, केवल मोदी, तभी कांग्रेस सरकार जीतेगा। राहुल चोर, चोर चोर का जमात है गठबंधन चोर। सवाल हमारा पुराना है लेकिन लोग आज नए हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुधीर सागर और लाइव सिटीज में आपका स्वागत है। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं फिर से हाजिर हूँ लाइव सिटीज के पब्लिक ओपिनियन। आज हम लोगों से बात करेंगे और उनसे उनकी राय जानेंगे 2019 में कौन आएगा। मोदी तो आए गए हैं लेकिन घटले घर, घटले घर, घटले घर, आना तो है लेकिन घटले घर है। हाँ मजबूर है, मजबूर है। राहुल राहुल सब पत्ता साहब है भैया मोदी का जी। हाँ जी, इसलिए कि भैया बहुत से लोग उनमें दुखी पहुँचे हुए हैं, उनसे दुख हुआ किसी को, वही सब नोटबंदी एसटीडी क्या लागू क्या लागू यही सब। केवल मोदी, केवल मोदी, केवल मोदी, क्यों क्यों क्यों, कहाँ कोई गड़बड़ी है। चोर एक तरफ, चोर एक तरफ, साध मोदी साध, राहुल चोर। बात समझ गए, राहुल मुद्दे पर क्यों नहीं है। राहुल चोर, चोर चोर का जमात है गठबंधन चोर, और एक तरफ साध, साध और चोर की लड़ाई है। जो साध के तरफ रहेगा वो साध, जो चोर के तरफ रहेगा वो चोर। तो राफेल पर क्यों नहीं आए सामने। राफेल में बिल्कुल चोरी नहीं है, एगो पंडित जी को बता रहे हैं, एक ठो कन्हा पर ले जाकर उनको दहेज में मिला था, ठक चार ठो मिल गया, और चारों कहने अरे ये सुअर ले जाता रहो, और ठग से ले ही लिया सब, वही ठग है राहुल। झूठ बोल रहा है कि राफेल में दलाली, झूठा झूठा झूठा। आना ही चाहिए, हमको तो लगता है जितना भी किए ठीक ही किए काम अभी तक। इस कंपैरिजन अगर हम लोग युद्ध के लिए देखा जाए तो वो जितना भी कर रहे अच्छा ही कर रहे हैं। आरक्षण अभी आया है, इतना कुछ बनवा रहे हैं, भले ही लोगों को नहीं दिख रहा है कि वो क्या किए। नोटबंदी किए तो ब्लैक मनी हटाने के लिए किए, ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत बुरा काम किए थे। तो फिर तो नया नोट आया ही, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है लोगों को, अचानक से नहीं करना चाहिए था, थोड़ा प्लानिंग के साथ करना चाहिए था, लेकिन जो किए ठीक ही किए। हमको तो लगता है ठीक ही काम करे, आना चाहिए उनको वापस। ऐसा लग नहीं रहा है लोगों को देखिए, क्योंकि उनके समर्थ में कोई है नहीं, लेकिन आना चाहिए उनको वापस, ऐसा चाहिए। मोदी जी अच्छे हैं क्यों, क्योंकि हम लोग के बहुत विकास के बहुत काम आगे में बढ़ा रहे हैं। क्या नहीं कर रहे हैं, बहुत सा ऐसा काम कर दिए। नोटबंदी वाले जो समस्या हुआ तो नोटबंदी के लिए कहीं के ऐसे जो मोदी जी जो चीज़ बंद था वो चीज़ को अपना ये विदेश में उनको पैसा जहाँ तहाँ लेकर जो भाग रहे थे ये हो रहा था, कम से कम चेंज कर दिए तो वो तो बचा। मोदी सर, मोदी हम लोग गरीब के लिए हर कुछ कर रहे हैं, सिलेंडर घर घर, जो जो चूल्हा पर आदमी फूक फूक के खाना बनाता था वो घर घर सिलेंडर करवा दिए। हम लोग को माँ को चाहे दादी सबको फूक फूकना नहीं पड़ रहा है। मोदी जी आ रही हैं, मोदी जी विकास पार्टी है, विकास दल हैं, विकास करने वाले हैं, औरों के तरह हिल जोल नहीं करने वाले हैं। 2019 में मोदी जी आएंगे सर, बहुत अच्छा काम किए हैं, अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए जनता बहुत खुश है। आज लगने वाला को लगवे करता है कि खराब काम कर रहा है, कि जिसको दो नंबर का माल है वो तो छुपा छुपा कर रख रहा है, मगर जिसके पास नहीं है, जो आज बयान कमाने वाला है उसके लिए तो ठीक है, बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत बेहतरीन काम हो रहा है सर। अभी देखा ना, अभी तीन स्टेट गया ना, एडमिट करना चाहिए हमको, सच्चाई वहीं पर है, सच बोलने से हम लोग भागते हैं। और आजकल जनता बहुत तेज हो गई है, बोलती कुछ है करती कुछ है, पैसा आपका लेती है वोट अपना देती है, ये तो फैक्ट है ना, यही फैक्ट चल रहा है। और हमने कहा ना कि अंग्रेजों से देकर के 85 ईयर्स अब किया दानापुर के लिए, हम एक तो समझते हैं कि हिस्ट्री है। आप किस तरफ जाएंगे। हम तो बस देखते चलो, उधर को हवा हो जिधर की चला, सदा एक ही रुक नहीं नाव चलती, सदा एक ही रुक नहीं नाव चलती, चलो तुम उधर को जिधर हवा हो जिधर की। मोदी आ रहे हैं और कौन आ रहा है, क्यों लगता है? काम किए हैं, किस तरह है? क्या नहीं किए हैं, जो ये आपका सबसे बड़ा जनधन योजना है, जो गैस बांटे 8 करोड़ लोगों को, 8 करोड़ × 10, एक परिवार में 5 लोग हैं तो 8×5=40 लाख लोग हो गया ना जी। आयुष्मान योजना में जो 5 लाख रुपया दे रहे हैं, जिसको
बेचारे को रोग हो रहा था तो मर जा रहा था घर में, और आज उसको फ्री में इलाज हो रहा है 5 लाख का। आरक्षण का जो लेकर आए हैं इसका फायदा होगा? फायदा जरूर होगा, जो आज तक किसी ने नहीं सोचा सवर्णों के बारे में, मोदी सोच रहे हैं तो फायदा नहीं होगा, उसका तो फायदा है ही, निश्चित फायदा है। 2019 में मोदी जी आएंगे सर, बहुत अच्छा काम किए हैं, अब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए जनता बहुत खुश है। मोदी तो आए गए हैं लेकिन घटले गए। राहुल राहुल सब पता साहब है भैया मोदी का, केवल मोदी केवल मोदी केवल मोदी। अभी कांग्रेस सरकार जीतेगा। राहुल चोर 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 का जमात है, गठबंधन चोर। राहुल राहुल सब पता साहब है भैया मोदी का, जी हाँ जी, इसलिए कि भैया बहुत से लोग उनमें दुखी पहुँचे हुए हैं, उनसे दुख हुआ किसी को, वही सब नोटबंदी एसटीडी क्या लागू क्या लागू, यही सब केवल मोदी केवल मोदी केवल मोदी। क्यों क्यों क्यों, कहाँ कोई गड़बड़ी है? चोर एक तरफ, चोर एक तरफ, साध मोदी साध, राहुल चोर। बात समझ गए? राहुल मुद्दे पर क्यों नहीं है? राहुल चोर 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 का जमात है, गठबंधन चोर, और एक तरफ साध, साध और चोर की लड़ाई है, जो साध के तरफ रहेगा वो साध, जो चोर के तरफ रहेगा वो चोर। तो राफेल पर क्यों नहीं आए सामने? राफेल में बिल्कुल चोरी नहीं है, एगो पंडित जी को बता रहे हैं, एक ठो कन्हा पर ले जाकर उनको दहेज में मिला था, ठक चार ठो मिल गया, और चारो कहने अरे ये सुअर ले जाता रहो, और ठग से ले ही लिया सब, वही ठग है राहुल, झूठ बोल रहा है कि राफेल में दलाली, झूठा झूठा झूठा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भी उनको सिर्फ इस बहाने उनको ये किया जा रहा है, जैसे विपक्ष क्या बोलेंगे, नहीं ना बोलेंगे गलत है ये है वो है, लेकिन वो चीज़ है नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने को, जीएसटी सिस्टम के अंदर जो आ रही है, सिस्टम सिस्टम है कि नहीं, और कोई बात इसमें नहीं है। ये हाँ जो आज बेईमान है वही कल चौकीदारी करेगा। 2019 में हमारे मोदी जी ही आएंगे। हाँ क्योंकि उसने जिस तरह का विकास किया या कुछ भी कर रहा है, जो भी कदम उठाए, आपका आज़ादी के बाद से कोई भी आपका कांग्रेस हो या इसके बाद भी जो भी दल बना हो, वो काम नहीं किए जो उसने किए। ऐसा तो नहीं है, पहले तो लोग देश के बारे में इतना विकास या कैसे क्या होता नहीं जानते थे, आज तो सब लोग जान रहे हैं। मोदी जी तो खत्म करवे कर चालू हो गया या सब चीज़ें पर महंगाई तो चालू हो गया है, कहाँ महंगाई खत्म हुआ है? महंगाई खत्म होगा तब ना आदमी बोलेगा महंगाई खत्म हो गया, बताइए हर चीज़ में रेट बढ़ गया, कहाँ से आदमी घर चलाएगा, क्या आएंगे, ये बंद है वो बंद है, नोट बंद हो गया, प्लास्टिक बंद हो गया, क्या चलेगा आदमी का बाजार बताइए, तो और क्या चाहिए? आरक्षण तो मिल गया। कहाँ आरक्षण मिला है, देख रहे हैं 5 मिनट लग रहा पार्सल करने में जो 2 मिनट का काम था 5 मिनट लगा रहा भैया, रसगुल्ला क्या चीज़ में देगा दही बताइए, उसके लिए तो निकालना चाहिए ना मोदी जी को, खाली मोदी जी क्या आएंगे, अभी कांग्रेस सरकार जीतेगा। आना ही चाहिए, हमको तो लगता है जितना भी किए ठीक ही किए काम अभी तक, इस कंपैरिजन अगर हम लोग युद्ध के लिए देखा जाए तो वो जितना भी कर रहे अच्छा ही कर रहे हैं, आरक्षण अभी आया है, इतना कुछ बनवा रहे हैं, भले ही लोगों को नहीं दिख रहा है कि वो क्या किए, नोटबंदी किए तो ब्लैक मनी हटाने के लिए किए, ऐसा कुछ है नहीं कि बहुत बुरा काम किए थे, तो फिर तो नया नोट आया ही, थोड़ा प्रॉब्लम हुआ है, लोगों को अचानक से नहीं करना चाहिए था, थोड़ा प्लानिंग के साथ करना चाहिए था, लेकिन जो किए ठीक ही किए, हमको तो लगता है ठीक ही काम करे, आना चाहिए उनको वापस, ऐसा लग नहीं रहा है लोगों को देखिए, क्योंकि उनके समर्थ में कोई है नहीं, लेकिन आना चाहिए उनको वापस, ऐसा चाहिए। मोदी जी अच्छे हैं क्यों? क्योंकि हम लोग के बहुत विकास के बहुत काम आगे में बढ़ा रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, बहुत सा ऐसा काम कर दिए, नोटबंदी वाले जो समस्या हुआ तो नोटबंदी के लिए कहीं कैसे ऐसे जो मोदी जी जो चीज़ बंद था वो चीज़ को अपना ये विदेश में उनको पैसा जहाँ तहाँ लेकर जो भाग रहे थे ये हो रहा था, कम से कम चेंज कर दिए तो वो तो बचा। मोदी सर, मोदी हम लोग गरीब के लिए हर कुछ कर रहे हैं, सिलेंडर घर घर जो जो चूल्हा पर आदमी फूक फूक के खाना बनाता था वो घर घर सिलेंडर करवा दिए हैं, हम लोग को माँ को चाहे दादी सबको फूक फूकना नहीं पड़ रहा है। तो हमने आज दानापुर के लोगों से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि 2019 में कौन आएगा,
यहाँ के लोगों ने कहीं ना कहीं मोदी जी के किए हुए कामों की तारीफ की, ये कहा कि मोदी जी को 2019 में फिर से आना चाहिए। अगर हमारा आज का पब्लिक ओपिनियन आपको पसंद आया हो तो इस पब्लिक ओपिनियन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देश दुनिया बिहार की सारी लेटेस्ट खबरों के लिए लाइव सिटीज.in के साथ बने रहें। अपने सहयोगी विकास कुमार के साथ मैं सुजीत सागर, लाइव सिटीज पटना।